इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है इसमें से एक बार क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको साथ साथ नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बंद गोभी का एक मैं पीस आज अम्बाला से लेके आया हूँ, अम्बाला की सब्जी मंडी से लेके आया हूँ और इसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर अम्बाला में भी ये जो जहर है चाइनीज जहर है हर जगह फैल चुका है। तो आप देखिए मैं इसको कैसे आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। इस बंद गोभी को देखकर ऐसे लगता नहीं है कि जैसे ये नकली बंद गोभी है, पर आप जब इसे छीलेंगे और आप ऐसे करेंगे उतारेंगे तब भी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। पर इसका बहुत ही हैरान कर देने वाला जो चीज़ है वो ये है कि ये जलती नहीं है और इसमें जो अभी ये ऐसे टूट रही है जलने के बाद आपको इसके अंदर प्लास्टिक देखिए कैसे नज़र आएगा। जिस पत्ते को इतनी तेज आंच पर जल जाना चाहिए था आप लोगों के सामने है देखिए वो जल नहीं रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये पत्ता जल नहीं रहा है। अब ये देखिए इसको जितनी मर्जी आंच पे हमने तेज पे जला लिया है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अम्बाला कैंट के अंदर से कुछ समय के लिए बंद गोभी ना ही लें और मैं चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग ऐसे जगहों पे सब्जी मंडी जाकर चेक करे जहां पर ये बंद गोभी की सप्लाई हो रही है। ये देखिए इसमें प्लास्टिक किस हद तक मिलाया हुआ है। अब देख सकते हैं कि बंद गोभी फट नहीं रही है और इसके अंदर ये प्लास्टिक देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसमें प्लास्टिक का सर स्तर देखिए। तो मैं चाहूंगा कि एक बार अपने लोकल जितने भी हमारे समाज सेवी संस्थाएं और सब हैं वो एक बार स्वास्थ्य विभाग और इंस्पेक्टर से कह के कि ऐसी सब्जी मंडियों में जांच करवाई जाए जहां पे ये बंद गोभी आ रही है, वरना बालाकैंट के अंदर इसका बच्चों पर बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू।